सहवाग की शैली में खेलने वाला बेखौफ बल्लेबाज कैसे बना बदनसीब खिलाड़ी। क्रिकेट में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो खेलते तो हैं मगर गुमनामी की तरह, और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गुमनामी में नहीं गुमान में खेलते हैं। खिलाड़ी जिसने दो बार किया 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का कारनामा, टीम को जितवाए कई मुकाबले लेकिन फिर भी रहा अंडररेटेड ही। साल 2017 दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय T20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 10वें सीजन की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन IPL शुरू होने से 2 महीने पहले यानी फरवरी में IPL की नीलामी होनी थी। चूंकि फिक्सिंग में फंसी 2 टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया था, ऐसे में 2 नई टीमों के फ्रेंचाइजी ऑक्शन में शिरकत कर रहे थे। इस ऑक्शन में 351 खिलाड़ियों के नाम आए, तभी ऑक्शन की आखिरी बोली लगी और वो नाम राहुल त्रिपाठी का था। एक ऑलराउंडर जो ना ही एक मिस्ट्री बॉलर थे, सही मायनों में कहें तो वो बॉलर ही नहीं थे। महाराष्ट्र की तरफ से रणजी खेलने वाले राहुल त्रिपाठी IPL के लिए अभी एक गुमनाम चेहरा थे, उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन IPL की नई नवेली टीम पुणे सुपर जायंट्स के फ्रेंचाइजी ने दाव खेला और राहुल त्रिपाठी को उनके 10 लाख के बेस प्राइस में खरीद लिया। राहुल को खरीदने की वजह फ्रेंचाइजी के पास थी, क्योंकि उन्होंने एक घरेलू T20 मुकाबले में 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार, ऐसा कारनामा किया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और यहाँ हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेटर राहुल त्रिपाठी की, जो IPL में पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से बतौर ओपनर सहवाग की शैली में बल्लेबाजी करते हुए टीवी और अखबारों की सुर्खियां लूट चुके थे। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा दिनों तक मेहरबान नहीं रही। माथे पर बदनसीबी का तमगा लिए राहुल त्रिपाठी ने कई ऐसे दौर देखे जब उन्हें लगा कि उनका करियर अब दम तोड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राहुल त्रिपाठी के अब तक के क्रिकेट करियर और जिंदगी की जानी अनजानी और अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलें। 2 मार्च 1991 को झारखंड के रांची शहर में जन्मे राहुल त्रिपाठी एक आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। राहुल त्रिपाठी के पिता अजय त्रिपाठी सेना में थे, जबकि उनकी माता सुचित्रा त्रिपाठी एक हाउसवाइफ थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल त्रिपाठी का परिवार भी क्रिकेट के पृष्ठभूमि से जुड़ा रह चुका है। राहुल के पिता सेना में कर्नल जरूर थे, लेकिन वे जूनियर उत्तर प्रदेश टीम से क्रिकेट खेलते थे, साथ ही वे यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम से भी क्रिकेट खेला करते थे। राहुल के बड़े भाई भी राज्य स्तरीय क्रिकेटर रह चुके हैं, जिसके कारण राहुल को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और सीखने का सौभाग्य मिला। राहुल जब 9 महीने के थे तो वे पेंसिल को बैट और इरेजर को गेंद समझकर खेलते थे। तब पिता राहुल को बोलते थे कि अगर पढ़ोगे तो खेलने को मिलेगा। राहुल को प्रारंभिक क्रिकेट का ज्ञान अपने पिता और भाई से ही प्राप्त हुआ। राहुल की लगन और प्रतिभा को देखते हुए 9 साल की उम्र में पिता ने उनका दाखिला लखनऊ के एक क्लब में करा दिया। यह राहुल ने अपने खेल से कोच को प्रभावित किया। लेकिन इसी बीच साल 2000 में एक वक्त ऐसा आया जब राहुल के पिता की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हो गई। पिता अजय त्रिपाठी पूरे परिवार को लेकर श्रीनगर जाने वाले थे, लेकिन लखनऊ क्लब में राहुल के कोच ने उनके पिता से विनती की राहुल को लखनऊ में ही रहने दिया जाए। कोच ने कहा, इस लड़के में खूब टैलेंट है और अभी तो इसने खेलना शुरू ही किया है, यह हायर लेवल तक खेल सकता है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में पिता राहुल को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल परिवार के साथ जम्मू कश्मीर चले गए। उन दिनों श्रीनगर में ज्यादा क्रिकेट नहीं होता था, बावजूद इसके राहुल को वहां 3 साल रहना पड़ा। राहुल इन 3 सालों में कुछ खास क्रिकेट नहीं खेल पाए। फिर 3 सालों बाद उनके पिता का ट्रांसफर पुणे हो गया। पिता का स्थानांतरण पुणे हो जाने के कारण राहुल की कुछ शिक्षा पुणे से पूरी हुई। राहुल को तो बचपन से ही क्रिकेट पसंद था और वह क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे थे। दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज के पिता का सेना में होने के कारण लगातार ट्रांसफर भी होता रहा था। लेकिन जब उनके पिता का ट्रांसफर पुणे में हुआ, तब जाकर असल में राहुल त्रिपाठी के क्रिकेट की शुरुआत हुई। राहुल थोड़े और बड़े हुए तो पुणे शहर के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब डेकल जिमखाना में खेलने का मौका मिला, जहां राहुल को केदार जोगलेकर और हेमंत अथालिया के रूप में 2 अच्छे कोच मिले और राहुल ने उनके अंडर अपने प्रोफेशनल क्रिकेट ट्रेनिंग की शुरुआत की। एक दिन महाराष्ट्र अंडर 15 का ट्रायल चल रहा था, लेकिन राहुल इससे बेखबर थे। कोच को लगा कि यह ट्रायल राहुल को देना चाहिए और फिर कोच ने राहुल के पिता को फोन किया। पिता ने स्कूल में फोन कर राहुल को इसकी इत्तला दी।
पिता ने राहुल को जल्दी ग्राउंड पहुंचने को कहा, लेकिन राहुल को आते आते देर हो गया। शाम हो गई थी, सूरज लगभग ढल चुका था, ट्रायल का समय भी समाप्त हो गया था। ऐसे में पिता के सेलेक्टर से काफी विनती करने के बाद सेलेक्टर्स ने राहुल का ट्रायल किया। राहुल त्रिपाठी के 3 शॉट को देखकर सेलेक्टर प्रभावित हो गए। उन्होंने राहुल को नेट्स के बाहर बुला लिया और खेल से प्रभावित होकर राहुल को महाराष्ट्र अंडर 15 में चुन लिया गया। अंडर 15 और अंडर 17 लेवल पर राहुल त्रिपाठी का परफॉर्मेंस जबरदस्त था, लेकिन अंडर 19 में वो शून्य पर आउट हो गए। इसके बाद 1 साल तक उन्हें बैठना पड़ा। साल भर बैठने के बाद राहुल को एक बार फिर अंडर 19 टीम में जगह मिली और इस बार उन्होंने खूब रन बनाए। इसके बावजूद उस साल त्रिपाठी को भारत की अंडर 19 में जगह नहीं मिली, जिससे वो काफी निराश हो गए थे। लेकिन राहुल के पिता जानते थे कि एक दिन वह बड़ा क्रिकेटर बनेगा। अब वक्त था घरेलू क्रिकेट में राहुल त्रिपाठी को जौहर दिखाने का, सो वो वक्त भी आ गया। साल 2013 यह वही साल था जब राहुल त्रिपाठी औपचारिक तौर पर क्रिकेट में कदम रखने जा रहे थे, मतलब उन्हें घरेलू क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका इसी साल मिला, जब राहुल ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत रणजी ट्रॉफी से की। राहुल त्रिपाठी ने MCA यानी महाराष्ट्र क्रिकेट क्लब की ओर से खेलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने टीम में बतौर ओपनर खेलना शुरू किया था। और फिर क्या, राहुल ने दिखा दिया कि वो क्या है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और फिर दिल में भारत के लिए खेलने की ललक ने उन्हें और तराशा। साल 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान उन्होंने एक मैच में 44 गेंदों पर 57 रन और फिर बंगाल के खिलाफ 95 रन बनाकर खुद को साबित किया। अगले सीजन भी राहुल का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। साल 2018 में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए राहुल ने 8 मैचों में 504 रन बनाए और टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर रहे। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन इसमें एक कहावत और जुड़नी चाहिए कि मजबूरी का नाम राहुल त्रिपाठी। दोस्तों, मैं यह बात अंत में क्यों बता रहा हूँ उसे जानना चाहिए। अपनी बदनसीबी का मारा यह खिलाड़ी हमेशा अंडररेटेड ही रहा है। राहुल के खेल की कद्र को किसी ने समझा नहीं। राहुल त्रिपाठी ने IPL में खेलते हुए टीम को कई बार मैच जिताए और कई मौकों पर टीम की डूबती नैया को बचाया, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए टीम के दरवाजे कभी खुले तो कभी बंद रहे। हैरत की बात यह है कि जो बल्लेबाज सहवाग की शैली में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता हो, वह गुमनाम कैसे हो जाता है। खैर, राहुल त्रिपाठी अभी हाल ही में खेली गई भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का हिस्सा बने थे। उन्होंने इस दौरान बड़ी पारियां तो नहीं खेली, लेकिन अपने आक्रामक खेल से सबका मन मोह लिया और टीम में आगे बने रहने के लिए छाप छोड़ दी। राहुल त्रिपाठी को ब्रेक थ्रू मिला 5 जनवरी 2023 को, जब श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के दूसरे T20 मैच में उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर त्रिपाठी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। नंबर 3 पर उतरे राहुल त्रिपाठी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आई, जिसमें एक बार फिर T20 सीरीज के लिए राहुल त्रिपाठी को टीम में शामिल किया गया। इस सीरीज में त्रिपाठी ने अपने बल्ले की छाप छोड़ी। सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने सिर्फ 22 गेंदों में 44 रनों की आतिशी पारी खेली थी। त्रिपाठी के इस पारी ने मैच का टोन बदला था। बाद में ओपनर शुभमन गिल ने इसी मैच में अपना पहला T20 इंटरनेशनल शतक जड़ा और भारत ने 168 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की थी। दोस्तों, चलते चलते राहुल त्रिपाठी के छोटे से क्रिकेट करियर पर नजर डालते हैं। राहुल त्रिपाठी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 44 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2,359 रन बनाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर 132 रहा। इसके बाद लिस्ट ए के 36 मैचों में 928 रन बनाए। T20 करियर में 74 मैचों में 1,618 रन बनाए। रही बात भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, तो राहुल ने महज 5 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 19 की औसत से 97 रन बनाए हैं। IPL में पुणे सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल चुके राहुल त्रिपाठी को T20 के रूप में भारत की जर्सी पहनने को तो मिल गई, जिसमें उन्होंने अपने निराले खेल से चयनकर्ताओं को चौंका दिया। लेकिन राहुल को अभी भी टीम इंडिया के लिए एक दिवसीय और टेस्ट टीम में डेब्यू करना बाकी है। 31 वर्षीय राहुल त्रिपाठी को टेस्ट और वनडे क्रिकेट की जर्सी कब मिलेगी, ये कोई नहीं जानता। मिलेगी भी या नहीं, यह सब राहुल त्रिपाठी के किस्मत की बात है। आपके अनुसार राहुल त्रिपाठी को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।